जूनागढ़ और गिरनारी की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदत्त। सिंह राशि वालों अब बेकारी, बेरोजगारी, साधनहीनता से जूझ रहे हैं। व्यवसाय नहीं होने, आर्थिक व्यवसाय न होने, साधन न होने, निर्धार होने से बेबस नजर आ रहे हैं। पूर्ण रूप से अर्थ उपार्जन में असमर्थ हो गए हैं। दरिद्रता पांव पसार कर बैठ गई है तो 2022 का आखिरी महीना आपके लिए भाग्योदय बन कर आ रहा है। यानी कि कम से कम परिश्रम से ज्यादा धन लाभ, ईश्वरीय शुभ वैभव, संपन्नता प्राप्त होने वाली है। जीवन अब परेशानी पूर्ण, समस्याओं से ग्रस्त और चिंतित नहीं रहने वाला। इस बदलाव का बड़ा कारण भी होगा ग्रहों की स्थिति, इसीलिए वीडियो स्किप के बिना पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि दिसंबर में आपके गोचर कुंडली में आपकी खुद की यश भाव में सूर्य बुध और शुक्र की जबरदस्त युति होने जा रही है। तो आपके भाग्येश मंगल भी न्यायवान यानी कि लाभकारक होकर कर्म नौकरी भाव में योग कारक बनने वाले है, जिसके कारण दिसंबर में कुछ बड़ा होने वाला है। सिंह राशि वालों, वैसे तो मैंने बहुत सारी भविष्यवाणी की है और वह सारी सच भी हुई है, लेकिन हाल ही में 11 नवंबर के वीडियो में मैंने कहा था पूर्व भारत और उत्तर भारत में 3 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस होंगे और आप देख भी सकते हैं। 12 नवंबर को उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस हुए थे और उनका केंद्र ऋषिकेश रहा था। यकीन नहीं है तो पर क्लिक करके वीडियो देख भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं 2022 का आखिरी महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। दिसंबर 2022 में आपको आपके धैर्य, सहनशीलता व साहस का पुरस्कार मिलकर रहेगा, क्योंकि पिछले काफी समय से आपके मन में चल रहे कुछ भ्रामक धारणाओं का खंडन हो जाएगा। शनि ग्रह आपकी मेहनत का फल प्राप्त करवाएंगे, जिसके कारण थोड़े से प्रयास के द्वारा भी अपने कार्य सिद्ध कर लेंगे। निश्चित तौर पर भौतिक समृद्धि की दिशा में चल रहे प्रयास क्रियान्वित होंगे। लंबी कठिनाइयों एवं परेशानियों के बाद आप अपने उद्देश्य में भी सफल रहेंगे, चाहे वह नौकरी को लेकर हो, कार्यों को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, लाभ आपके पक्ष में होता नजर आ रहा है। व्यवसायिक दृष्टि से भी स्थितियां अब पटरी पर आने लगेगी। अधिक परिश्रम एवं पूंजी निवेश निरंतर बना रहेगा। कर्ज के लिए भी यदि प्रयास करेंगे तो आपको वह उपलब्ध होगी। 1 दिसंबर से ही कार्य से, व्यापार से तुरंत पैसा मिलने के योग बन रहे हैं। तो बड़ी उद्यमी एवं छोटे कार्य करने वालों के लिए भी दिन खुश करने वाले फायदेमंद सौदे करवाएंगे, जिसका लाभ आपको वर्तमान में अवश्य देखने को मिलेगा। 4 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर के बीच तत्कालीन, दीर्घकालीन योजना एवं उम्मीदों से जुड़े कुछ ऐसे विषय होंगे, चाहे वह राजनीति, समाज सेवा, सरकार में लंबित कार्य हो, जहां पर आप लाभ में रहेंगे। हालांकि इस दौरान आपको कुछ बेहद कठिन फैसले लेने पड़ेंगे, वो आपको अभी भले दुखदायी लगे लेकिन इनका अंत सुखकारी होगा। यदि आप भी धन के लिए अंधेरों में भटक रहे हैं, अच्छा कार्य नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आप मानकर चल सकते हैं कि दिसंबर में आपको कार्य से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। 16 दिसंबर के बाद आपकी अस्थायी नौकरी भी कायमी नौकरी में तब्दील हो सकती है। भाग्य आपको 7वें आसमान पर बिठा सकता है, क्योंकि कार्य में चेंज, स्थिति में बदलाव और प्रेम जीवन में भी नई संभावनाएं बन रही है। आप चाहते हैं नौकरी के अलावा कोई नया कार्य प्रारंभ करें तो यह संभव होगा। यदि किसी विवाद या अधिकारियों के कारण कंपनी में बदलाव चाहते हैं तो वह भी संभव होगा। तो मल्टीनेशनल एवं इंटरनेशनल कंपनियों में कार्यरत लोग अपने निर्णय, काबिलियत, अनुभव, योग्यता के बल पर सैलरी में इंक्रीमेंट के साथ नया पद, नया लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि सिंह राशि के जातक चाहे वो छोटी कंपनियों में कार्य कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं या फिर बड़े पदों पर स्थित है, उन्हें गुरु ग्रह भावी रुझानों को देख लेने तथा साझा संसाधनों को कारगर तरीके से इस्तेमाल करने की योग्यता प्रदान करेगा और यह सब आपके जीवन का एक अंग बनकर रह जाएगा। प्यार के मामले में भी आप काफी लकी कहे जा सकते हैं, क्योंकि चोरी छुपे हुए नजरें बचाकर जो चीजें अब चल रही थी वह स्पष्ट हो जाएगी। आपका प्रियतम आपको सामने से प्रपोज कर सकता है। यहाँ तक रिलेशनशिप में, दाम्पत्य जीवन में आपके संबंध सुदृढ़ बनेंगे। प्यार, रोमांस, धन संबंधित मामले आपको इतने व्यस्त रखेंगे कि आप थक थक कर चकनाचूर हो जाएंगे। 15 दिसंबर के आसपास आप किसी विदेशी व्यवसाय या लोकल व्यापार की भी शुरुआत करेंगे, जिनमें भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए अच्छा लाभ कमाएंगे। कर्ज, निधियां, धन का मार्ग सुगम हो जाएगा।
पूरे दिसंबर के दौरान शेयर बाजार गोल करेंसी में खरीद बिक्री के साधन से लाभ की स्थितियां बनती चली जाएगी। हालांकि थोड़ी सी भी असावधानी लापरवाही विषम परिस्थितियां खड़ी कर सकती है, इसलिए उधार लेने से बचना होगा। सिंह राशि के जो जातक स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, सिनेमा जगत, मेडिकल, शिक्षा व वकीलात आदि से जुड़े हुए हैं, तो आप अब किस्मत को चमकाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि भाग्य आपके सामने नई परिस्थितियों का निर्माण करने जा रहा है, अनुकूल अवसर प्रदान करने जा रहा है। रियल एस्टेट, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल, एजेंट एवं प्लास्टिक से जुड़े कारोबारियों को भी कोई बड़ा लाभ हो सकता है। यहाँ तक पूरे दिसंबर के दौरान प्रसिद्धि, प्रचार, सामाजिक स्थिति व सम्मान एवं अपने व्यवसाय में कड़ी मेहनत से तीव्र गति से आगे बढ़ने के संकेत नजर आ रहे हैं। फिर भी बेहतर होगा कि आप अपनी सफलता से इतना ज्यादा घमंडी ना हो जाए कि लोग आपकी बुराई करने लगे। यदि आप झूठे वाद विवादों के कारण या किसी अन्य के कारण कोर्ट में घसीटे गए हैं, तो वहां से अब निकल सकते हैं। कर्ज, उपद्रव, वाद विवाद और असंतोष का वातावरण अब खत्म हो जाएगा। यदि उल्टे सीधे कार्यों में भी उलझ गए थे, तो वहां से भी आप बाहर निकल सकते हैं। सबसे बड़ा लाभ वस्त्र व्यवसाय, तरल पदार्थ, चर्म से संबंधित कार्य, फैशन डिजाइनिंग संबंधित लोगों को मिलने जा रहा है, क्योंकि आपकी आवक लाखों करोड़ों में हो सकती है। दोस्तों, मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुँचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, इसीलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। यह था सिंह राशिफल दिसंबर 2022। जय गुरुदत्त, जय गिन्नारी।